Right now, my family is not staying with me. My family is in my hometown. I am living alone. Okay. And they are very much worried. मान के चलिए मैं तो डे वन से काम कर रहा हूँ right. जब से मैं मतलब समझिए 30 जनवरी से मैं इंचार्ज हूँ तब से अभी तक नहीं हूँ mm-hmm. और मेरे साथ ही जो आईटीबीपी के डॉक्टर्स हैं बाकी mm-hmm. ये कुछ दो तीन को छोड़ के बाकी तब से लगातार है yeah. अरे मैंने तो होली में प्लान किया था ठीक है मेरे घर वाले भी कई तरह की थी मतलब प्लानिंग थी अब मेरे फादर भी ओल्ड हैं 82 के आसपास वो भी बहुत चिंतित और वो रहते थे ठीक है तो अब प्लानिंग मेरी है कि मैं अप्रैल लास्ट में जाऊंगा अब सब्जेक्ट टू मुझे छुट्टी मिल जाए तो आप भी अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे यस बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम मैडम वैसे होता है 14 डेज ही होता है यस वो तो है ही मैडम उनके लिए तो है दूसरा हमारे लोग तो अभी सेल्फ मॉनिटरिंग का रखना है सारा क्योंकि हम डॉक्टर पैरामेडिकल लोग हैं कि हमें कोई इससे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट करते हुए अलग वो रखते हैं ठीक है और मैक्सिमम लोग जो भी इसमें है यही रहते हैं जो घर जाते हैं सारे प्रिकॉशन लेते हुए हमारे पास से एक पीपी होता है जो है ना प्रिवेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये पूरे बॉडी को कवर करता है ये मतलब समझिए आईज से लेके आपके टोज तक सारा ये कवर करता है Okay. तो हमारे भी लोग जो ये काम कर रहे होते हैं तो ये इसके साथ ही वो करते हैं और जो मेरा स्टाफ है बेसिकली उसमें समझिए सारे एलिमेंट होते हैं सफाई से लेके मेडिकल केयर डॉक्टर्स और बाहर की टीम भी कभी कभी कोई होता है कि कैजुअल हो जाता है थोड़ा सा ठीक है कभी ओवर कॉन्फिडेंस से अब कोई कुछ नहीं है सब ठीक चल रहा है तो वही हमारी डेली ब्रीफिंग होती है सुबह शाम हम ये ब्रीफ करते रहते हैं अपने स्टाफ को और मोटिवेटेड भी रखते हैं तो हमारा ये रहता है कि कम हम काम स्टार्ट करें तो अगले 4 घंटे तो कम से कम पीपी के साथ काम करें क्योंकि इसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है शायद आपको पता हो या ना हो ये मार्केट में मिली नहीं आज की डेट में ठीक है क्योंकि जो चाइना बनाता था इसको पीपी को चाइना ने उसी पीपी को जो हमें पता लगा कि वो तिगुने रेट पे खरीद लिया अपने वेंडर से जो आज जा रहे थे तो स्थिति ये है कि मैक्सिमम वहीं से एक्सपोर्ट होता था वो हमारे पास अब उसकी शॉर्टेज माने कमी है जिस वजह से हम लोग सारे उस हिसाब से रखते हैं कि जैसे जहाँ 2 लोग काम कर सकते हम 4 को नहीं भेजते क्योंकि एक तो ये रहता है कि कम लोग एक्सपोज हों लेकिन ये रहता है कि हमारा ये जो इक्विपमेंट है इसको भी हम बचा के रखें एक बार जैसे जन्म सिंह के लिए आदमी जाता है ठीक है उसके बाद सारा कंप्लीट करने के बाद बल्कि उसका भी एक प्रोसीजर होता है जिस रास्ते जो जा रहा होता है उस रास्ते वापस नहीं आता है उसका भी रूट अलग है जैसे जिस रूट से हम जा रहे हैं दैट इज सेफ रूट हेल्दी रूट और जहां से हम निकल रहे हैं वो अनहेल्दी हो जाता है क्योंकि उस रास्ते हम पीपी पहन के आ रहे हैं जहां पे बाहर पे भी हमारा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है उसमें तो वहां पे फिर 2 पॉइंट होते हैं वहां पे एग्जिट पॉइंट में बल्कि हमारे सारे येलो बैग्स ठीक है और बायोमेडिकल वेस्ट उसका सारा अलग अलग वो रहते हैं उसमें डालते हैं और उसमें फिर एक सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है सैनिटाइजर से अपने को क्लीन करते हैं देन हम निकलते हैं बाहर सर्विलेंस का ये होता है ऐसा तो है नहीं 24 घंटे खैर उनके साथ रह सकते हैं लेकिन डेली बेसिस पर एक जो है एक अटेंडेंस टाइप का जो होता है कि आप ठीक हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाकी उसको भी जब हम छोड़ते हैं यहाँ से जो भी क्वारंटाइन होता है उसको भी हम ब्रीफ करते हैं ये ब्रीफ उसकी एक एडवाइजरी अलग से है कि अगले 14 दिन जैसे 14 दिन के बाद वो डिस्चार्ज होता है तो किसी से मिलेंगे नहीं घर में भी आप बाकी लोगों से अलग रहेंगे अगर आपको जरा सा भी कोई सिंपल सा भी फीवर आता है आप ये नंबर है इनमें कॉन्टेक्ट करेंगे मेरे हिसाब से जितने लोग आए हैं बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं इतना वो नहीं है जितना लोग पैनिक हो रखे हैं
हाँ लोग डिसिप्लिन्ड रहे सोशल, और दूसरा जो है जिस हिसाब से लोगों ने मास्क पहन के बाजार में घूमना स्टार्ट कर दिया, मेरे हिसाब से वो एडवाइजेबल नहीं है। जो नीडी एक्चुअल में जिसको जरूरत होगी उसको मिल नहीं पाएगा कल।